आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की ओर से ईवीएम मशीनों का निरीक्षण किया गया, किस तरीके से आइए आपको भी दिखाते हैं। बता दें कि एक तरफ जहां राजनीतिक पार्टियों, राजनेता और पार्टियों के पदाधिकारी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, पुरजोर प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन भी अब लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव कार्यक्रम में लग गया है। सर्वप्रथम 27 जनवरी के दिन जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार की ओर से महोदय द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया गया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से दोनों ही अधिकारियों की ओर से एवं वेयर हाउस का निरीक्षण किया गया है। यहाँ मशीनों को किस तरीके से रखा गया और मशीन किस तरीके से काम करेंगी, इन सब का जायजा लिया गया। बता दें कि दोनों ही अधिकारियों की ओर से यहाँ निरीक्षण के दौरान ईवीएम वीवीपैट रख रखाव का अवलोकन किया गया तथा ईवीएम वीवीपैट आदि की सुरक्षा हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।